हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो मैकेनिक्स एमपी इंडिया, और जिसका भी नाम हो गया अपना इंजीनियर बाय हार्ट। अभी अचानक से मेरे साथ में क्या एक सीन हुआ, मैं अपनी पल्सर से आया हूँ, ठीक है। 150cc मेरी पल्सर है, आप चलो इसका पूरा व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। कहानी क्या है, अपन शुरुआत से शुरू करेंगे तो आपको एंड तक पता चलेगी। देखो गाड़ी एरिया अपनी 150, ठीक है। और ये वीडियो शूट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि गाड़ी जो मेरी है लगभग 15 दिन से खड़ी हुई थी, ठीक है। इसका जो इंजन है, इंजन हाँ ऑयल अपन कह सकते हैं, इंजन ऑयल जो है वो लगभग 6500 किलोमीटर चल चुका है। तेल अपन डालते हैं मोटुल का 7100। अभी इसमें मैंने 48600 पे गाड़ी शुरू की थी, आप यहाँ देख सकते हो गाड़ी मेरी पहुँच गई 5660 पे, मतलब लगभग मान के चलो आप 6500 किलोमीटर के आसपास मैं गाड़ी चला चुका हूँ, ठीक है। अब अचानक से कि गाड़ी तो बढ़िया टिप टॉप रहती है अपनी, ठीक, तो गाड़ी तो अपनी बराबर रहती है, अपन उसका मेंटेनेंस बढ़िया करते हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ, ये जो अपना भोपाल में लाल घाटी से अब सिंगारचोली ओवरब्रिज है वहाँ पे मैं निकल रहा था, तो गाड़ी लगभग थी मान के चलो आप 90 की स्पीड में, 90 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे थी। अचानक से गाड़ी में क्या हुआ, डीएक्सेलरेशन शुरू हुआ, गाड़ी का इंजन रुकना शुरू हुआ, ठीक है। मैंने गाड़ी का एकदम से क्लच दबाया, गाड़ी बंद कर दी, ठीक है, ताकि अगर बाय चांस इंजन सीज भी होता है तो लोड ना पड़े। फिर जब घाटी से नीचे उतरा तो मैंने दोबारा जो है क्लच छोड़ा, ऑटोमेटिक गाड़ी शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद एक आवाज़ आना शुरू हो गई है। बस इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और बनाऊँगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ, आवाज़ है कैसे। तो ये मेरी गाड़ी, मैंने इसको देखो सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है, लेकिन आप देखो आप इसमें एक अजीब सी आवाज़ आना शुरू हो गई है, कट 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 देखिए, कट 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 कट, गौर से सुनिएगा जरा आप, बिल्कुल गौर से सुनिएगा आवाज। ये देखना कट कट कट, ये जस्ट अभी अभी आना शुरू हुई है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वॉल्व जो है वो दिक्कत दे रहे हैं पक्का, टेपेट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है जिसकी वजह से मेरी टाइमिंग आउट हुई है और उसकी वजह से ये हाल हुआ, या फिर टाइमिंग चेन ने मतलब उसका जो कहते हैं ना अपन एक टाइम के बाद टाइमिंग चेन लंबी हो जाती है, उसको रिप्लेस कर देना चाहिए, तो मैंने उसको की नहीं थी, ठीक। तो अब हम ये वीडियो यहीं पॉज कर रहा हूँ मैं, लेकिन हम इसको दोबारा पूरा वीडियो शूट करेंगे और देखेंगे इस गाड़ी के अंदर दिक्कत है क्या, ठीक है। ये गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है कि हमको ये सॉल्व करना, अचानक से जो दिक्कत आई थी, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, और जो इसके इंजन में प्रॉब्लम वो हम निकाल के रहेंगे कि आवाज़ क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूज़र्स हैं जिसको प्रॉब्लम आती है, तो जिसकी वजह से क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बी विथ माई वीडियो टिल एंड, और हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। फिलहाल तो मैं अपने कस्टमर के पास में जा रहा हूँ, और उसके बाद में मीटिंग ख़त्म करके फिर हम इस गाड़ी पर आएंगे दोबारा और इसको खोल के फिर चेक करेंगे इसके इंजन में प्रॉब्लम है क्या। वैसे तो सिंगल किक में स्टार्ट है, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो आवाज़ आ रही है ना वो थोड़ी दुखदाई है, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे फिर दोबारा, ठीक है, मिलते हैं अपन।